हाँ दोस्तों, मेरा नाम आशीष, हाजिर हूँ बहुत अच्छे से टिप्स के साथ। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि व्हाट्सअप स्टेटस को हम डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दूँ थर्ड पार्टी के सहारे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि थर्ड पार्टी से आप डाउनलोड कैसे करें। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि व्हाट्सअप स्टेटस हम देखते हैं तो किसी व्यक्ति का तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है हमारे फ़ोन में। यानी जब किसी भी व्यक्ति का आप स्टेटस देखते हैं तो वो स्टेटस आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो बस आपको पहचान करना है कि वो स्टेटस आपके फ़ोन में कहाँ सेव हो रहा है। आप सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पर स्टेटस देख रहा हूँ, आपको दिखा दूँ यहाँ पे एक स्टेटस, ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने वीडियो देखा और ये वीडियो रिवर्स से बनाई हुई है, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे देखिए, विश यू वेरी हैप्पी वाली, ये तो टैक्स है, ये आपका पिक्चर था। देखिए ये पिक्चर आप ध्यान से रखिएगा, मैं ये पिक्चर अपनी फाइल में देना आपको दिखाने वाला हूँ। हिडन फोल्डर में जितने भी हम स्टेटस देखते हैं वो एक हिडन फोल्डर में सेव हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए ये स्टेटस लास्ट टाइम आपको यहाँ पूरा दिखाना चाहता हूँ, ये स्टेटस यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं एक एप्लीकेशन लिंक में वीडियो नीचे दे रहा हूँ, उस एप्लीकेशन यानी वो फाइल मैनेजर है, उस फाइल मैनेजर को आप यूज़ करें इसके स्टेटस को देखने के लिए। बाकी आप जो कोई भी फाइल मैनेजर यूज़ करते हैं उसमें आप सेटिंग में जाएँ, उनकी सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर हाइड सिस्टम फाइल, जो यहाँ पर हाइड यानी जितनी सिस्टम फाइलें यहाँ पर हाइड करी हुई हैं इसको आप ऑफ कर दीजिए, यानी आप सिस्टम की हाइड फाइलें भी देख सकेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप जाएंगे अपने स्टोरेज में, स्टोरेज व्हाट्सएप में जाएंगे, तो अगर आप जाते होंगे तो शायद आपके में मीडिया ही ऑप्शन आता होगा, ये शेयर्ड का ऑप्शन नहीं आता होगा। चलिए मीडिया पे क्लिक करते हैं, तो आपके अगर देखा होगा, आपने हाइड नहीं किया होगा तो आपके में स्टेटस, ये डॉट स्टेटस का ऑप्शन नहीं आता होगा, बट यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने हाइड फाइल्स को ऑफ कर रखा है। स्टेटस पर क्लिक करता हूँ और देखिए जो जो मैंने स्टेटस यहाँ पर देखे थे वो स्टेटस यहाँ पर आ चुके हैं और सेव हो चुके हैं। यानी अब मैं इनको शेयर भी कर सकता हूं और दूसरों को भेज भी सकता हूं और अपने स्टेटस पे लगा भी सकता हूं। तो कहाँ कितनी अच्छी ट्रिक्स है आप लोगों के लिए, तो बस यही ट्रिक आपको बतानी थी। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो को प्ले किया और ये वही वीडियो है जो वहाँ से हमने उठाई थी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिखा दूँ, देखिए ये सब वही वीडियोस हैं, वही फ़ोटोज़ हैं जो हमने वहाँ पे सेव किए थे। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटस को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने जल्द हाजिर को नई टिप्स के साथ, तब तक धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों साथ शेयर कीजिए और बहुत ही काम कीजिए, इसलिए शेयर करना बनता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते थे तो बस जो सब्सक्राइब का बटन है वीडियो नीचे आ रहा है रेड कलर का, उसे क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक नोटिफिकेशन देता हूं, मैंने एक दूसरा नया चैनल बनाया, उसके लिंक मैंने वीडियो नीचे दे रखी है, वहाँ विजिट कीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मेरा सपोर्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय।